सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखें। अब आप जरा सोचिए कि समुद्र में कितने विशालकाय जीव पाए जाते हैं जो कि एक बार में ही पूरे जहाज को तहस नहस कर देते हैं। समुद्र में इस तरह के बहुत सारे विशालकाय जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। समुद्र में कुछ ऐसे जीवों के कंकाल मिले जिन पर स्टडी करने पर पता लगा कि यह आदिम युग में खोजे गए जानवरों से कई गुना बड़े थे और इस तरह के बहुत सारे खतरनाक जीव वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों से खोज निकाले। तो आइए आपको लिए चलते हैं समुद्र के कुछ ऐसे ही विशालकाय व खतरनाक जीवों से मिलाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेगलोडॉन द ग्रेट व्हाइट शार्क आज की सबसे बड़ी जीवित शार्क है, लेकिन इतिहास में इससे भी बड़ी शार्क मौजूद थी। यह शार्क इतनी विशाल थी कि द ग्रेट व्हाइट शार्क इसके सामने एक बच्ची जैसी लगती थी। इस शार्क का नाम मेगलोडॉन था। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो इस शार्क के दांत को देखिए जो द ग्रेट शार्क के दांत से काफी बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शार्क कितनी विशाल थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगलोडॉन की लंबाई 15 से 18 मीटर तक हो सकती है, यानी यह लगभग 3 शार्क के बराबर लंबी थी। यह शार्क इतनी बड़ी थी कि इसके पेट में एक स्कूल बस भी समा सकती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शार्क लाखों साल पहले समुद्र में पाई जाती थी और समय के साथ इसका अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन कई बार विशालकाय शार्क समुद्र के तट पर देखी गई। इससे यह कह पाना मुश्किल है कि मेगलोडॉन अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है या नहीं। गोब्लिन शार्क। अब आप सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले समुद्री जीव के बारे में जानिए, क्योंकि ये गोब्लिन शार्क अपनी प्रजाति के इकलौते वंशज हैं। हम आपको बता दें कि इस शार्क का इतिहास 120 साल पुराना है और इसका अनोखा बॉडी स्ट्रक्चर इसे बाकी शार्क से बहुत अलग बनाता है। इसके सिर से एक बड़ी सी नली निकलती है और अगर इसके आकार की बात करें तो यह शार्क आराम से 20 फीट तक हो सकती है। औसतन इसका आकार 10 से 13 फीट के बीच होता है। यह विशाल स्किट की तरह इंसानों से दूर रहना पसंद करती है और समुद्र की गहराई में रहती है जहां यह अपना शिकार करती है। गोब्लिन शार्क अपने शिकार को नुकीले और लेयर वाले दांतों का इस्तेमाल करके धर दबोचती है, लेकिन इन्हें अगर जाना जाता है तो इनके अनोखे लुक की वजह से जो इन्हें बाकी शार्क से अलग बनाता है। स्ट्रंगरे। स्ट्रंगरे एक ऐसा छोटा समुद्री जीव है जिसका शरीर चपटीला होता है। इसके पीछे एक या दो चुभने वाले दांत होते हैं जिनसे ये अपने शिकंजे को बाहर निकालते हैं। इन शिकंजों का विष बहुत खतरनाक होता है जो दूसरे जीवों को तकलीफ पहुंचा सकता है और कई मामलों में जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए स्ट्रंगरे के पास जब भी हो तो सतर्क रहना चाहिए। इस शिकंजे अपनी सुरक्षा और आकार को बढ़ाने के लिए अपने शिकंजों में एक विषैला पदार्थ रखते हैं जिसे वे अपनी दुर्गंध और विष घातक गुणों के लिए प्रयोग करते हैं। वे जीव बहुत रंगीन और रोमांचक होते हैं। इसकी उम्र आमतौर पर 15 से 25 वर्ष तक होती है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में यह 30 साल तक भी जीवित रह सकता है। स्टोनफिश। स्टोनफिश को देखकर सावधान रहें क्योंकि ये किसी भी समय आपको धोखा दे सकती है। इस छोटी नस्ल की अनोखी दिखावट उसे चट्टान की तरह दिखने का अंदाज देती है जिससे वह शिकारियों से छिप सकती है। जो लोग गलती से भी स्टोनफिश के पास जाते हैं उन्हें तेज डंक के खतरे का सामना करना पड़ सकता है जो उनके जूतों में भी छेद कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें न्यूरोटॉक्सिक के खिलाफ भी सावधान रहना चाहिए जो उनके श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और उनके दिल को भी प्रभावित कर सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाने वाली पत्थर मछली कुछ स्थानों पर एक स्वादिष्ट व्यंजन हो सकती है और जब उसे पकाया जाता है तो उसका जहर नष्ट हो जाता है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस। 5 इंच डायमीटर वाला यह समुद्री जीव देखने में भले ही छोटा हो और उसके पास नुकीले दांत ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह खतरनाक नहीं है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस दिखने में जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका अत्यधिक जहरीला होना है। इस ऑक्टोपस के अंदर इतना खतरनाक जहर होता है कि यह एक मिनट में 26 से ज्यादा लोगों को मार सकता है। जब यह काटता है तो हल्के से काटता है जिससे इंसान को दर्द नहीं होता। बिना दर्द के यदि इसका जहर आपके शरीर में घुस जाए तो वह इतना खतरनाक हो सकता है कि आपकी जान भी ले सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोच सकते हैं इतने जहरीले जीव से ज्यादा खतरनाक और कौन हो सकता है। यह खतरनाक समुद्री जीव ज्यादातर इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है जहां यह समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। स्नाइपेल। दोस्तों यह एक प्रकार का समुद्री जीव है जो जलीय जीवों की कैटेगरी में आता है। स्नाइपेल एक अनोखे प्रकार की जीव है जिसकी पहचान उसकी लंबाई और पतली बॉडी से होती है। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम निमिस्तीर है
स्नाइपील की खास बात यह है कि अपनी पूरी लाइफ समुद्र की गहराइयों में बिताते हैं और ये दिन के समय में आमतौर पर गहराइयों में रहते हैं, जबकि रात के समय में सतह के करीब आ सकते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए साइंटिफिक स्टडी की जरूरत है और इनके जीवन के अधिक रहस्यों को सुलझाने के लिए और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। कोलोसल स्किट। कोलोसल स्किट बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय जीव होते हैं जो महासागरों की गहराई में रहते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कोलोसल स्किट हमारे महासागरों में लगभग 3000 फीट की गहराई पर पाए जाते हैं। ये गहरे समुद्र में रहते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। ये स्किट बहुत बड़े होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है जो कि एक स्कूल बस के बराबर होती है। इनका वजन 1100 पाउंड होता है जो कि बहुत भारी है। इनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, लगभग 10 इंच व्यास की होती हैं जो कि खाने की प्लेट के बराबर होती हैं। इनकी बड़ी आंखें इन्हें अंधेरे में भी अच्छी तरह से देखने में मदद करती हैं। विशालकाय स्किट की एक कठोर चोंच होती है जो तोते की चोंच की तरह होती है। यह चोंच बहुत मजबूत होती है और इसका प्रयोग भी शिकार को पकड़ने और खाने के लिए करते हैं। इनका केवल एक ही शिकारी होता है जिसका नाम है शुक्राणु होल। जब विशालकाय स्किट और शुक्राणु होल आपस में मिलते हैं तो एक बहुत ही जोरदार लड़ाई होती है। स्किट अपनी रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ता है और कई बार शुक्राणु होल को इस लड़ाई के निशान अपने शरीर पर लेकर जाना पड़ता है। बॉक्स जेलीफिश। जब समुद्र के खतरे की बात आती है तो आकार मायने नहीं रखता, इसीलिए हमारे पास बॉक्स जेलीफिश है। जेलीफिश का एक वर्ग जो अपने छोटे कद की भरपाई बड़े पैमाने पर अद्वितीय ढंग से करता है। कहा जाता है कि जो लोग बॉक्स जेलीफिश के जाल के जहरीले संपर्क में आते हैं उन्हें अत्यधिक दर्द और जलन का अनुभव होता है। बॉक्स जेलीफिश का जहर कथित तौर पर इतना शक्तिशाली होता है कि डंक लगने के कुछ ही मिनटों के भीतर कुछ लोगों को घातक हृदय गति रुकने का अनुभव होता है। सबसे बुरी बात यह है कि बॉक्स जेलीफिश के लगभग पारदर्शी दिखने के कारण नुकसान पहुंचाने से पहले उसका पता लगाना कितना कठिन है। अब जो मैं आपको लास्ट जीव दिखाने वाला हूँ वे बेहद ही अजीब जीव है। कोरल रीफ स्नैक। समुद्री सांपों का जहर बहुत खतरनाक होता है और एक बूंद से भी कम मात्रा में इंसान की जान ले सकता है। ये सांप पूरी तरह से पानी में रहते हैं और जमीन पर नहीं रह सकते। वे गर्म तटीय जल में पाए जाते हैं और उनके शरीर पतले और लंबे होते हैं जिससे वे ईल मछली जैसे दिखते हैं। ये सांप हवा में सांस लेते हैं इसीलिए उन्हें सतह पर आना पड़ता है। समुद्री सांपों का स्वभाव नरम से लेकर आक्रामक तक हो सकता है। कुछ सांपों को संभाला जा सकता है जबकि अन्य सांपों से बचना चाहिए। अधिकतर समुद्री सांपों के काटने से गंभीर परिणाम होते हैं। एक प्रजाति हाइड्रोकिस प्लेटरिस का जहर दुनिया के किसी भी सांप से सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। समुद्री सांप के काटने से कुछ मानव मौतें भी हुई हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपनी प्यारी सी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।